वेलकम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन के लेक्चर सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर वन और लेक्चर टू को नहीं देखे हैं, वो यहाँ आई बटन पर जा कर के लेक्चर को देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। चलिए हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। आपको ये जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये एक शेल टाइप का ट्रांसफार्मर है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे और किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है ये भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे। इसको खोलेंगे भी और इसके जो कोर है उसको समझेंगे कि उसका डिज़ाइन कैसा होता है। लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। उन ज़रूरी बातों में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, है ना, क्वेश्चंस करें। अपने दिमाग में हमको क्वेश्चंस करने हैं और पूछना है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। जैसा कि ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के बारे में कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट लेते हैं, उसको बार बार रिपीट करके याद रख लेते हैं लेकिन उसको समझते नहीं हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को पूरा डिटेल में समझें कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, है ना, उसके कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ ट्रांसफार्मर वर्क्स। ट्रांसफार्मर वर्क्स कि हमारा ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। सेकेंड जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में वो होता है व्हाट इट डज, ये क्या करता है। तो आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर किसी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है या ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर एक हमारे पास कोई वाइंडिंग है और उसमें हमने एसी सप्लाई दी हुई है और इसके आसपास एक दूसरी वाइंडिंग भी है जिसमें कोई सप्लाई नहीं दी गई है, तो होगा क्या, इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने के कारण इसमें इसके आसपास क्या होगा, एक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा और वो जो फ्लक्स है वो लिंक करेगा सेकेंड वाइंडिंग को और कुछ फ्लक्स एयर को भी लिंक करता है। इस फ्लक्स के कारण ये वाइंडिंग क्या होगा, लिंक होगा और ये फ्लक्स कैसा है आपका, अल्टरनेटिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। जैसा कि हम फैराडे लॉ के बारे में पहले भी लेक्चर वन और लेक्चर टू में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, ठीक है, उसको मैं ईपी मान लेता हूँ, सॉरी वी मान लेता हूँ और ये ईपी हो जाएगा। तो ये ईपी और आई मिलकर क्या बनाते हैं, पावर बनाते हैं प्राइमरी सर्किट का। और यहाँ पर ES और इसके साथ में जो करंट फ्लो होगा, जो अभी नहीं हो रहा है, IS, वो मिलकर क्या बनाएंगे, आपका सेकेंडरी पावर बनाते हैं। तो पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया थ्रू मैग्नेटिक लिंकिंग। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए ये दोनों वाइंडिंग की जो कपलिंग है, ठीक है, कपलिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, दोनों वाइंडिंग की कपलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कपलिंग टाइट होनी चाहिए, तभी क्या होगा कि ये जो फ्लक्स है ये पूरा पूरा सेटअप हो पाएगा। इसकी वैल्यू जो यहाँ पर है प्राइमरी वाइंडिंग पर, वही वैल्यू क्या मिलेगी हमको, सेकेंडरी वाइंडिंग पर मिलेगी। तो ये क्या करता है, पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफॉर्म करता है, इसमें वो वोल्टेज और करंट के लेवल्स में बदलाव करता है, ठीक है। और कैसे करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन से करता है, ये हमको क्लियर हो गया, ठीक है। और हमको ये भी क्लियर हो गया कि ये जो फ्लक्स है ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। ये फ्लक्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, या यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग में जितना फ्लक्स बना है पूरा का पूरा कहाँ लिंक होना चाहिए, सेकेंडरी में, ठीक है। होता क्या है कि हमारा जो एयर है, ठीक है, एयर भी एक मीडियम है, तो एयर में फ्लक्स को सेटअप होने के लिए, है ना, क्या होता है, उसमें
उसके रास्ते में रिलक्टेंस आता है। रिलक्टेंस वो चीज़ है जो फ्लक्स को अपोज करता है। तो एयर का जो रिलक्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत हाई रिलक्टेंस होता है, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्स ठीक से सेटअप नहीं हो पाता और इस वाइंडिंग को पूरा पूरा फ्लक्स नहीं मिलता। अगर फ्लक्स का सेटअप पूरा ठीक से नहीं होगा तो यहाँ पर जो पावर डिलीवर होगा सेकेंडरी सर्किट में वो प्राइमरी पावर से कम होगा। तो इसी को अच्छे तरीके से करने के लिए ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन ऐसा हो कि जो ये म्यूचुअल फ्लक्स है ये प्रॉपर सेटअप हो सके। इसलिए यहाँ पर है ना एयर की जगह कोर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, एयर की जगह कोर का यूज़ किया जाता है। इसके पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हाउ व्हाई वी नीड कोर। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ तो एयर से भी हमारा फ्लक्स सेटअप हो जा रहा है, फिर हमको कोर की क्या ज़रूरत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एयर का जो रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस ऑफ एयर इज़ वेरी हाई, जिससे हमारा जो फ्लक्स है वो ठीक से सेटअप नहीं हो पाता और सेकेंडरी वाइंडिंग को पूरा पूरा लिंक नहीं कर पाता। इसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पावर प्राइमरी में है पूरा पूरा सेकेंडरी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, उसमें लॉसेस हो जाते हैं। तो हम ऐसा कोर यूज़ करते हैं जिसका जो रिलक्टेंस है वो बहुत ही क्या हो, लो, मतलब वेरी लो हो, जिससे हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस होता है। तो रिलक्टेंस अगर कम होगा तो फ्लक्स हमारा ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो फ्लक्स को अच्छा रखने के लिए हमने क्या किया, कोर का यूज़ किया है। तो ट्रांसफार्मर के अब मैं कंस्ट्रक्शन में आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ कि देखिए कि अगर मैं कोर यूज़ करता हूँ ट्रांसफार्मर में, मैं अगर कोर यूज़ करता हूँ और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग यूज़ करता हूँ इस तरीके से, ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर मैंने एसी सप्लाई दिया हुआ है और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने के कारण एक फ्लक्स यहाँ पर ऐसा सेटअप हो जाता है जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है, यही करता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ये सेकेंडरी है और ये क्या है, हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है। तो होता क्या है, फ्लक्स जो है वो कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता ही करता है, लेकिन साथ में ये अपने आसपास एयर से भी लिंक करता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो ये जो फ्लक्स है जो एयर से लिंक करता है, ये हमारे किसी काम का नहीं होता, ये होता है हमारा यूजलेस फ्लक्स होता है, वेस्ट फ्लक्स होता है। इसी वेस्ट फ्लक्स को हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। ये हर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये दिक्कत होती है कि उसमें लीकेज फ्लक्स होता है। ये लीकेज फ्लक्स जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं करता, प्राइमरी वाइंडिंग के फ्लक्स का वो भाग जो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं करता, लीकेज फ्लक्स कहलाता है, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम जो कोर है उसको इतना अच्छा रखते हैं, इतना हाई रिलक्टेंस रखते हैं, ताकि सॉरी हाई लो रिलक्टेंस का कोर रखते हैं, ताकि हमारा जो फ्लक्स है वो पूरी तरीके से सेटअप हो सके और किसी भी तरीके का लीकेज यहाँ पर ना हो। लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में लीकेज ऑब्जर्व किया जाता है कोर में। चलिए अब कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। इसके कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ट्रांसफार्मर का कोर, ट्रांसफार्मर कोर, और दूसरी है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, कौन सी, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ अदर पार्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर में, तो वो अदर पार्ट्स क्या क्या हैं, देखिए होता क्या है अदर पार्ट्स में, मैं आपको बताऊं कि ये जो होल सेक्शन है ट्रांसफार्मर में, कोर है और उसकी दोनों वाइंडिंग्स हैं, इस होल सेक्शन को कहाँ रखा जाता है, एक ट्रांसफार्मर टैंक में। तो ट्रांसफार्मर टैंक एक अदर पार्ट हो गया, ठीक है। अब अंदर में होता क्या है कि ये जो वाइंडिंग्स हैं और कोर हैं आपस में क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है, आपस में क्या होते हैं, इंसुलेटेड,
तो इनमें इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ होता है। तो टैंक के अंदर एक ऑयल यूज़ किया जाता है, ये जनरली मिनरल ऑयल होता है, ठीक है, जिसमें मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है। मॉइस्चर इज़ वेरी लो, मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है, मिनरल ऑयल यूज़ किया जाता है। ये एक इंसुलेटिंग मीडियम की तरह काम करता है टैंक, और ये होल सेक्शन जो है हमारा स्ट्रक्चर है वाइंडिंग और कोर का, उसके बीच में। अब इसमें और क्या यूज़ होता है, और क्या यूज़ होता है, देखिए जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स हैं, ठीक है, उसके जो टर्मिनल है, टर्मिनल जो है उनको टैंक से बाहर निकालने के लिए, और कैसे निकालना है, इंसुलेटेड तरीके से निकालना है ताकि वो कहीं पर शॉर्ट सर्किट ना हो और टैंक में करंट फ्लो ना हो। तो ये जो वाइंडिंग है इसको बुशिंग्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है, बुशिंग्स या पोर्सिलिन, पोर्सिलिन मटेरियल का यूज़ करके उस वाइंडिंग के जो टर्मिनल है, वाइंडिंग के टर्मिनल्स को बाहर की तरफ निकाला जाता है, ठीक है, जिसमें फिर आगे कनेक्शन किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अदर पार्ट्स हैं, और साथ में आपके ट्रांसफार्मर कोर और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग प्राइम पार्ट्स होते हैं। और अब हम देखेंगे कोर का कंस्ट्रक्शन, कि ट्रांसफार्मर कोर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर, ठीक है। तो हमने यहाँ पहले ही प्रॉपर्टी देखी है कि ट्रांसफार्मर कोर किस तरीके से बनाया जाएगा। तो ट्रांसफार्मर कोर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका जो रिलक्टेंस है कोर का वो क्या होना चाहिए, वेरी लो, वेरी लो होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। परमीबिलिटी कोर की क्या होनी चाहिए, वेरी हाई होनी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से जो हमारा कोर होता है, ठीक है, उसमें जो लॉसेस होते हैं, पहला जो लॉस होता है वो क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस। मैं ये भी बताऊंगा हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, ये जो हिस्टेरेसिस लॉस है कोर में जो होता है ट्रांसफार्मर कोर में, वो हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है जब परमिबिलिटी ज़्यादा होती है, साथ में कोर का जो रिलक्टेंस है वो बहुत कम होता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में जो हिस्टेरेसिस है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है जो कोर के अंदर, वो लॉस बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो हमारा कोर का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि उसकी रिलक्टेंस जो है बहुत कम हो, और परमिबिलिटी कोर की बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत हाई हो। परमिबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से किसी कोर को मैग्नेटाइज किया जा सकता है, और रिलक्टेंस का मतलब होता है कि जो उसके प्लक्स में, जो कोर का जो फ्लक्स है उसके पाथ में जो रेजिस्टेंस है, उसके सेटअप होने को जो अपोज करता है, वो इसका रिलक्टेंस है। तो वो बहुत कम होना चाहिए, और परमिबिलिटी कोर की बहुत हाई होनी चाहिए, जिससे हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम हो जाता है। दूसरा इसमें मेन फैक्टर होता है वो होता है एडी करंट, एडी करंट लॉस। तो कोर में हमको एडी करंट लॉस भी कम रखना होता है। तो वो कैसे कम करते हैं उसको हम समझने के लिए पहले एडी करंट क्या होती हैं और एडी करंट ट्रांसफार्मर कोर में कैसे आती हैं ये समझ लेते हैं। एडी करंट किसी मेटल के सरफेस में बहने वाली भंवर धाराएं होती हैं, इस तरीके से भंवर के फॉर्म में फ्लो होती हैं। तो ये जो भंवर धाराएं हैं ये कोर में पैदा हो जाती हैं, क्योंकि ये जो हमारा कोर है ये किसका बना होता है, स्टील शीट का बना होता है, स्टील शीट का बना होता है। और स्टील शीट क्या है, एक कंडक्टर की तरह काम करता है, और यहाँ पर स्टील शीट में जब वाइंडिंग यहाँ पर लपेटी गई होती है, और इसमें क्या होता है, फ्लक्स फ्लो होता है। तो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स सेटअप होता है, वो होता है अल्टरनेटिंग एसी फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से जो हमारा कोर है, ठीक है, उसके सरफेस में ये भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब ये जो भंवर धाराएं हैं, एडी करंट है वो, और जो कोर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, आई स्क्वायर, आई ई स्क्वायर, एडी करंट का स्क्वायर इंटू आर सी, ये हमको देता है हीट लॉस। ये जो हीट लॉस होता है ये कहलाता है एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। इस एडी करंट लॉस को कम करना होता है
तो इसको कम करने के लिए एडी करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, है ना। तभी एडी करंट का अगर वैल्यू कम होगा तो आसानी से हम क्या कर सकेंगे, इस लॉस को कम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ध्यान में रखते हुए कोर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोर कैसे बनाया जाता है और उसमें किस तरह के मटेरियल यूज़ होते हैं। तो कोर का जो मटेरियल होता है, कोर का शेप और उसका मटेरियल किस तरीके का होता है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जो कोर का जो शेप है वो हम डिटेल में देखेंगे, पहले मैं आपको मटेरियल समझा दूँ। ये इस तरह के मटेरियल का होता है कि इसका जो परमिबिलिटी है वो बहुत अच्छा हो, ठीक है, परमिबिलिटी अच्छा हो और जो उसका कोर का रिलक्टेंस है वो बहुत कम हो। तो स्टील में जब ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, क्या ऐड कर दिया जाता है, सिलिका SiO2, तो हमारा बनता है सिलिकॉन स्टील। अब सिलिकॉन की जो मात्रा है जो स्टील में मिलाई जाती है, ठीक है, तो स्टील में जब सिलिकॉन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ कंसिडरेबल अमाउंट में, और नापा तोला जो हमारा परसेंटेज है वो मिलाया जाता है, तो हमारा जो परमिबिलिटी है कोर का वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ठीक है, ये सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। लेकिन आजकल जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसका नाम है CRGO। CRGO मतलब ग्रेन ओरिएंटेड कोल्ड रोल्ड आयरन कोर यूज़ किया जाता है। तो CRGO यूज़ करने का मतलब है, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में। अब इसका यूज़ क्यों किया जा रहा है और ट्रांसफार्मर को कैसे बनाया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो परमिबिलिटी होता है बहुत अच्छा होता है और कोर का जो रिलक्टेंस होता है बहुत कम होता है। ठीक है, और इसमें हिस्टेरेसिस लॉस भी बहुत कम होता है। देखिए, हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, ट्रांसफार्मर में क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, एसी क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर में जब भी एसी क्वांटिटी अप्लाई करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि एसी का ग्राफ में क्या होता है, कि एसी जो होता है एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम जाता है और उसके बाद निगेटिव मैक्सिमम में आता है। तो इस तरीके से इसका साइकिल चलता रहता है। तो मान लीजिए कि हमारा जो करंट है अभी पॉजिटिव साइकिल में, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, इस करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा, वो अभी जैसा है वैसा होगा। ठीक है, इस तरीके से क्लॉकवाइज जा रहा है हमारा फ्लक्स, कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये माइनस में आता है तो हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत क्विक होता है, बहुत कम टाइम में ये सब हो जाता है। मान लो 50 हर्ट्ज है तो 20 मिली सेकेंड में ये सब होता है। लेकिन इसका जो स्पीड है चेंज होने का, उस स्पीड से ये फ्लक्स चेंज नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से, है ना, एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है, VH कर्व बनता है। ठीक है, इस तरीके का एक VH कर्व बन जाता है। ठीक है, ये हमारा B है और ये हमारा H। तो H हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाता है और B हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को दिखाता है। तो इनके बीच एक हिस्टेरेसिस लूप बन जाता है और इस लूप का जो एरिया होता है वही हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होता है। तो ये जो बन रहा है ये ऐसा क्यों बनता है, ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण बनता है। देखिए, जब इसमें करंट, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो मैग्नेटाइज होता है कोर, और जब निगेटिव में होता है तो डीमैग्नेटाइज होता है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के बीच में अगर लैग होता है तो वो लैग के कारण ये विड्थ बनता है, हिस्टेरेसिस लूप का ये जो विड्थ है वो बन जाता है, और इस विड्थ के बनने के कारण एक एरिया बनता है और यही एरिया क्या होता है, लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस। तो अगर हमारा जो कोर है वो जल्दी से क्विकली क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज होगा और क्विकली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा बिना लैगिंग के और बिना रेजिडुअल फ्लक्स के, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो कोर है वो किस तरीके से काम करेगा। हमारा जो कोर है वो बहुत अच्छा काम करेगा, उसकी जो परमिबिलिटी है वो हाई होनी चाहिए। परमिबिलिटी हाई होने से वो क्विकली मैग्नेटाइज भी हो जाएगा, क्विकली डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा, और लगभग अप्रॉक्सीमेटली इस स्पीड से, जिस स्पीड से करंट बदल रहा है उसी स्पीड से वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, जिससे हमारा हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम हो जाता है। और CRGO
कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील यूज करने से इसका स्पीड और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिससे हमारा हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था कि किस तरीके से हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस कनेक्टेड है। आगे आने वाले लेक्चर में जब हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस को डीप में स्टडी करेंगे, उस टाइम मैं आपको हिस्टेरेसिस लॉस के न्यूमेरिकल, उसके फॉर्मूला, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ाऊंगा। अभी जस्ट आपको एक प्रॉपर्टी बताने के लिए मैं इतना छोटा सा एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है, फिर भी आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कैसा कोर का कंस्ट्रक्शन होता है ना, किस तरीके से उसमें किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर लिया हुआ है, तो मैं उसको आपको अब दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर बना हुआ होता है ना। आपको मैं वो ट्रांसफार्मर अब दिखाने लगता हूँ ताकि आप समझ पाए कि किस तरीके से उनका कनेक्शन किया गया है। मैं आपको एक छोटे ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो टाइप है उसके शेप के आधार पर है ना, वो होता है कोर टाइप और शेल टाइप। आपको पता होगा ट्रांसफार्मर में दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका कोर टाइप और दूसरा होता है शेल टाइप। तो हमारे पास एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर है, इसमें जो वाइंडिंग है, ठीक है, इसमें जो ये वाइंडिंग है, ये जो बीच वाली जो आपको पीली कलर की दिख रही है, ये वाइंडिंग है, और बाहर में जो ये लगा हुआ है ये आपका कोर है, कोर को बताता है ये, ठीक है। तो जो बाहर में लगा हुआ है कोर है, वो वाइंडिंग के मैक्सिमम पार्ट को क्या कर रहा है, ढक रहा है, ठीक है। और इसके ढकने के कारण ही क्या हो रहा है, हमारा जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होता है कि जो वाइंडिंग है वो कोर से कवर्ड होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होगा कि जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, जो वाइंडिंग होती है वो इधर वाले लिंब पर होती है। इसमें तीन लिंब है, तो बीच वाला लिंब नहीं होता कोर में, और सिर्फ साइड साइड में वाइंडिंग होती है, इधर वाइंडिंग होगी और इधर वाइंडिंग होगी, ठीक है, समझ गए। ये कोर था, अभी ये शेल टाइप का ट्रांसफार्मर मैंने पकड़ा हुआ है, और कोर का हम जनरली डायग्राम यहाँ बनाते हैं। ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें अलग अलग लेग में अलग अलग वाइंडिंग प्लेस की जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग ये कोर टाइप और शेल टाइप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये बना कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कोर जो होता है एक सॉलिड नहीं होता, मतलब अलग अलग उसमें शीट्स होती हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अलग अलग शीट्स हैं, मैं निकालते जाता हूँ, ये देखो निकल भी रहा है, ये देखो एक आई शेप है, फिर देखो ई शेप है, ठीक है, ई शेप का यूज़ होता है, और ई शेप्स हैं, ठीक, फिर आई शेप है, देखिए देखते जाइए, समझते जाइए आप। देखो अब निकल नहीं रहा है, इसके बगल वाला पीछे से निकाल लेते हैं, ई शेप है और फिर आपका आई शेप है। तो ये जो हमारा शेल टाइप का ट्रांसफार्मर है ये ई आई के है ना शीट से बना हुआ है। ई आई मतलब कि हमारा जो सेक्शन है उस शीट से बना हुआ है, और इस तरीके से पूरा अगर मैं निकाल दूँ, ठीक है, ये बहुत सारे आई सेक्शन भी हैं इसमें, है ना। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने क्या किया, उसको तो स्टडी कर लिया कि हिस्टेरेसिस लॉस कैसे कम करेंगे, ठीक है, लेकिन एडी करंट लॉस को कम करने का हमने स्टडी नहीं किया। तो एडी करंट लॉस जो होता है उसको अगर कम करना है तो इसमें आपको वार्निश दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो ऊपर में दाग जैसा दिख रहा है ये वार्निश है, तो उसको वार्निश से पेंट कर दिया जाता है, जिससे ये कोर होता है हमारा लेमिनेटेड हो जाता है। और लेमिनेटेड कोर का एक प्रॉपर्टी है कि लेमिनेटेड कोर में जो एडी करेंट्स है वो जल्दी से फ्लो नहीं कर पाती, बहुत कम होता है एडी करंट का वैल्यू। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि जो एडी करंट है ना, उसको कोर को लेमिनेट करके किया जाता है, कम किया जाता है। तो कोर का जो लेमिनेशन होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कोर को लेमिनेट किया जाए, इसीलिए हमारा कोर क्या होता है, लेमिनेटेड होता है। और एक दूसरे से देखो, ये जो दो शीट हैं, एक शीट ये हो गई और एक शीट ये हो गई, तो ये दो शीट हैं एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी होती हैं, है ना, ये एक दूसरे से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं, और इनके बीच वार्निश प्लेस किया जाता है जिसकी वजह से ये चिपक भी जाती हैं,
और एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं, कंडक्ट नहीं करती, है ना। बीच में क्या रहता है, इंसुलेशन होता है यूजिंग वार्निश। ये जो वार्निश यूज़ किया हुआ है, आप उसका पेंट यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो उस वार्निश की वजह से एक लेमिनेशन बन जाता है इनके जो पतले पतले शीट्स हैं उनके बीच में, तो आप वो देख सकते हैं। और इसमें वाइंडिंग्स होती हैं फिर, है ना, तो बीच में इसकी वाइंडिंग है, उसका भी हम अच्छे डिटेल में देखेंगे। और इस तरीके से आपका ये ओपन हो गया है पूरा। इस तरीके का ट्रांसफार्मर आपके घरों में भी होगा, आप उसको भी देखकर प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। छोटे जो स्टेबलाइजर्स होते हैं उसमें होता है ये सब, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी इस तरीके का ट्रांसफार्मर होता है। तो देखिए, अब इसमें आपको वाइंडिंग नज़र नहीं आ रही होगी, वाइंडिंग जो है ना, उसके ऊपर ये पेपर टाइप का इंसुलेटर लगाया गया है। ये देखिए, ये पेपर टाइप का इंसुलेटर है, और इस पेपर टाइप के इंसुलेटर के अंदर में वाइंडिंग है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसको अपन ओपन करें, इस तरीके का ओपन होता है, ठीक है, इसमें वाइंडिंग होती है अंदर की तरफ। ये देखिए, इसमें पेपर इंसुलेटर्स हैं, इसको मैं पूरा हटा दिया हूँ, आपको वाइंडिंग नज़र आ रही होगी। अब कॉपर की वाइंडिंग होती है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा है ना टाइम लग जाता है इसको ओपन करने में। ये देखिए, इस तरीके से इसमें अंदर कंस्ट्रक्शन होता है, इसको मैंने पूरा ओपन कर दिया है। और ये दोनों जो हमारे वायर्स हैं, देखिए ये जो वायर है हमारा, ये ओपन हो गया, इस तरीके से इसमें लगा रहता है। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, ये आपको कॉपर वाइंडिंग यहाँ पे दिख रही होगी कि किस तरीके से कॉपर को वाइंड किया गया है। इसको अगर आप खुद से करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपको चोट ना लग जाए, ठीक है, चोट लगने की बहुत संभावना होती है। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए करें इस प्रैक्टिस को, आप खुद से ना करें कभी, थोड़ा ध्यान से करें, पहले समझ लें कि किस तरीके से इसको किया जाता है, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ें। देखिए, ये पूरी इसकी वाइंडिंग है, कॉपर वाइंडिंग, देखिए कितने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लगी हुई है, और हर वाइंडिंग में आपको एक चमक दिखेगी। ये चमक इसके लेमिनेशन की है, इसको इंसुलेट किया गया हुआ है। ये हर जो इसमें वाइंडिंग है ये आपस में क्या होती है, इंसुलेटेड होती है, इसलिए चमक रही है, इसमें कोटिंग होती है, ठीक है, जो इसको एक दूसरे से टच होने से रोकती हैं। इलेक्ट्रिकली ये आपस में कनेक्टेड नहीं होती, मतलब सटती नहीं है ये वाइंडिंग्स। ये देखिए, ये पूरी इसकी वाइंडिंग ओपन हो गई है, तो इस तरीके से होता है। और बाहर से है ना, बाहर से जो टर्मिनल निकाला जाता है एक इंसुलेटर के थ्रू, देखिए इस तरीके से वायर को निकाला गया है और उसके बाद कनेक्ट किया गया है। वैसे ही इधर भी है, इधर भी ये जो टर्मिनल है, देखो इस टर्मिनल को इंसुलेटर के थ्रू कनेक्ट किया गया है वायर से, और उसके बाद इसका आउटपुट किया गया है। तो ये दो वायर है, ठीक है, एक प्राइमरी है एक साइड, और दूसरी साइड आपकी सेकेंडरी है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहा है, और बीच में बॉन्ड किया गया है। देखिए बीच में हमारा सेल टाइप का ये कोर है, इस टाइप का, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग की तरफ ले जाता हूँ, जो इसके डिटेल्स हैं, इसका जो स्केमेटिक डायग्राम है उसको समझ लेते हैं, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी इस टॉपिक में आएगी। जनरली जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जनरली हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो टाइप के कोर होते हैं। पहला होता है कोर टाइप कोर, और दूसरा होता है शेल टाइप, ठीक है। तो हमारा जो कोर टाइप का कोर होता है, कोर टाइप, उसका जो डिज़ाइन होता है वो इस तरीके से होता है। ये इसमें दो ही लिंब बनते हैं ऐसा, और हर एक पर ऐसे वाइंडिंग की जाती है,
ठीक है, थोड़ा फास्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो कोर टाइप में ऐसा होता है, आपने हमेशा से आपने पढ़ा है कि प्राइमरी इधर होता है और सेकेंडरी इधर होता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। ये पढ़ने के लिए हमने ऐसा सूटेबल बनाया है ताकि हमको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम ना बनाना पड़े। बुक में भी मेंशन्ड है ये इस तरीके का नहीं होता। इसमें होता है कि प्राइमरी का कुछ टर्न कहाँ होता है, सेकेंडरी में, मतलब इस वाले लिंब में, और सेकेंडरी का कुछ टर्न यहाँ होता है। इस तरीके से इसको वाउंड किया जाता है। लेकिन जो कोर है उसका मैं अभी डिज़ाइन बता रहा हूँ आपको, तो ये जो कोर होता है उसमें एक जॉइंट यहाँ पर होता है और दूसरा जॉइंट इधर होता है। तो ये पहला जॉइंट है और ये दूसरा जॉइंट है, ये एक एल टाइप के सेक्शन से बना हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी कोर टाइप ट्रांसफार्मर नहीं है मेरे पास, ठीक है, ये एक एल शेप है और दूसरा एल शेप इस तरीके का होता है। ठीक है, और ये ब्लैक वाला यहाँ तक ले लो, और ये जो यहाँ पे जॉइंट्स बनती हैं, ठीक है, ये जो जॉइंट्स बनेगी यहाँ पे ये वाली, तो ये होगी आपकी बट जॉइंट। इसको क्या कहते हैं, बट जॉइंट्स कहते हैं, ऐसा होता है। और जो वाइंडिंग्स हैं, ठीक है, इसके अंदर कोर टाइप में जो वाइंडिंग होती है वो कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका मान लो पहला जो लिंब है वो है, और इधर दूसरा लिंब बन जाता है ये इस तरीके से। थोड़ा बड़ा मैं लिंब ले लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग ले लिया और उसको मैं वाउंड किया, ठीक है, मैं हाफ तक आया, उसके बाद मैं इधर चला गया और फिर मैंने यहाँ सेकेंडरी में उसको वाउंड कर दिया, ठीक है। और ये जो प्राइमरी का जो टर्मिनल है वो मैं इस तरीके से बाहर ले आया, ये हो गई मेरी प्राइमरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी है तो सेकेंडरी को मैंने इस तरीके से वाउंड किया ये, और मैं उसको कहाँ ले आया, इधर वाले लिंब में ले आया, फर्स्ट लिंब में, सेकेंड से फर्स्ट में ले आया और फिर उसको वाउंड किया, और उसके बाद उसको मैं टर्मिनल को इधर ले गया, तो ये सेकेंडरी। तो इस तरीके की वाइंडिंग उसमें यूज़ की जाती है, किसमें, कोर टाइप में। इसको कहा जाता है इंटर लीव्ड वाइंडिंग, इंटर लीव्ड वाइंडिंग, ठीक है। और कोर टाइप में जो कंडक्टर यूज़ होते हैं वो कंडक्टर आपके या तो सर्कुलर हो सकते हैं, ठीक है, या रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर, ठीक है, तो ओवल शेप के भी होते हैं। मैं बता रहा हूँ सर्कुलर रेक्टेंगुलर कैसे। कंडक्टर को हम कैसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कुलर से। तो इसमें रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर भी यूज़ होते हैं, ठीक है, कोर टाइप में। अगर कोर टाइप ट्रांसफार्मर को स्मॉल रेटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, स्मॉल पावर रेटिंग, स्मॉल पावर रेटिंग, वैसे तो कोर टाइप को हाई पावर रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेजेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर स्मॉल पावर रेटिंग या स्मॉल वोल्टेजेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कंडक्टर का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर टाइप का यूज़ किया जाता है, और हाई पावर रेटिंग के लिए है ना इस तरह का सर्कुलर शेप यूज़ किया जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है, एल जॉइंट, एल टाइप के जो सेक्शंस होते हैं सीआरजीओ मटेरियल के, उसको इस तरीके से बट जॉइंट करके बनाया जाता है, ठीक है। इसमें एक शीट नहीं, बहुत सारी शीट्स होती हैं जिसको एक के ऊपर एक ऐसा रखा जाता है, स्टैक किया जाता है और स्टैगर्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्टैगरिंग कर दी जाती है। तो इस तरीके से कोर टाइप का फॉर्मेशन होता है। आपको एक और बात बता रहा हूँ, कोर टाइप में, कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, उसमें जब उसको हाई पावर रेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, हाई वोल्टेज और हाई पावर के लिए जब उसको यूज़ किया जाता है, तब उसका जो कोर होता है वो क्रूसीफॉर्म टाइप का होता है। क्रूसीफॉर्म मतलब कोर की जो डिज़ाइन होगी आपकी वो इस तरीके की स्टेप्स में होती है, ऐसा, ये ऐसा जाएगा और फिर ये ऐसा आ जाता है, फिर आपका ये सेक्शन आएगा और फिर आपको ऐसा ये इस तरीके का क्रूसीफॉर्म कोर यूज होता है इसमें, ठीक है, ये क्रूसीफॉर्म, यहाँ पे वाइंडिंग्स ऐसी और ये ऐसा सेक्शन यूज होता है, क्रूसीफॉर्म बोलते हैं, क्रूसीफॉर्म विथ स्टेप्स। तो इस तरह का जो यूज किया जाता है,
इससे हमारा जो कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, वो कम लगता है, लेस कंडक्टर मटेरियल, जिससे हमारा जो कॉपर लॉस है, कंडक्टर में होने वाला जो लॉस होता है, कॉपर लॉस, आई स्क्वायर आर कॉपर लॉस जो होता है वो कम होता है, ठीक है। साथ में क्या होता है कि इसका जो लॉस है पर किलोग्राम वेट है ना, वो कम होता है। हिस्टेरेसिस लॉस इसमें पर किलोग्राम वेट बहुत कम होता है, इसका एरिया भी कम लगता है ना, स्पेस इसमें ज़्यादा होता है। तो क्रूसीफॉर्म टाइप के जो कोर्स हैं उनको जनरली यूज़ किया जाता है बड़े ट्रांसफार्मर्स को बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा डिटेल था। इसमें जो वाइंडिंग की जाती है उसका मैं आपको बता देता हूँ, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कैसे की जाती है। मान लीजिए ये मेरा कोर है, फिर से मैं कोर ड्रॉ कर लेता हूँ, जनरल जो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें जो वाइंडिंग होती है ना, पहले यहाँ पर इंसुलेटेड मटेरियल होता है कोर और पहली जो भी वाइंडिंग हम रखेंगे उसके बीच में ऐसा। उसके बाद हमारी एलवी वाइंडिंग होती है, कौन सी एलवी वाइंडिंग, ये हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग को पहले रखा जाता है। तो ये एलवी वाइंडिंग हो गई और ये एलवी वाइंडिंग, ये इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, इंसुलेटेड इंसुलेटेड मटेरियल। उसके बाद फिर से यहाँ पर इंसुलेशन डाला जाता है, ठीक है, ये इंसुलेशंस है जिसको मैंने शेड कर दिया है, लाइनिंग है वो इंसुलेशन है। उसके बाद में एचवी वाइंडिंग को रखा जाता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रखा जाता है, ये एचवी हाई वोल्टेज, इस तरीके से किया जाता है। वैसे ही इधर में किया जाएगा, इधर भी इसी तरीके का है ना, सेकेंडरी साइड में ये आपका इंसुलेशन बन गया और ये आपका एलवी वाइंडिंग, ये एलवी वाइंडिंग, और ये हो गया आपका एचवी वाइंडिंग, और ये भी हो गया आपका एचवी वाइंडिंग, और बीच में आपका इंसुलेशन है। तो आप देखेंगे कि एलवी वाइंडिंग को कोर के पास में रखा गया है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि एलवी वाइंडिंग को कोर के पास में रखा गया और एचवी को दूर में रखा गया। तो इसका रखने का मतलब ये है कि जो इंसुलेशन मटेरियल लगता है ना, इंसुलेटिंग जो मटेरियल यूज़ होता है, जैसे पेपर हो गया, माइका हो गया है ना, मटेरियल पेपर इंसुलेटर लगता है, माइका लगता है, तो ये सब की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। क्योंकि देखिए लो वोल्टेज वाइंडिंग में को मेंटेन करने के लिए हमको इंसुलेशन कम लगाना पड़ता है, तो वो कम लगाना पड़ता है कोर के बीच में और हाई वोल्टेज के बीच में। और देखिए आउटर साइड पे हमको लगाना ही नहीं पड़ता, तो आउटर साइड में हमको नहीं लगाना पड़ रहा है तो इससे हमारी बचत हो रही है। लेकिन अगर एचवी वाइंडिंग को हम बीच में लगा दें तो क्या होगा, अगर एचवी वाइंडिंग को बीच में लगा दें तो कोर और एचवी वाइंडिंग के बीच जो वोल्टेज का लेवल है बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है वो भी अच्छा यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो कॉस्ट है ट्रांसफार्मर का वो बढ़ जाता है। तो इसको कम करने के लिए और स्पेस का रिक्वायरमेंट कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एलवी वाइंडिंग को पहले रखते हैं, उसके बाद एचवी वाइंडिंग को रखते हैं, और इस टाइप की वाइंडिंग को बोलते हैं कंसेंट्रिक वाइंडिंग, कंसेंट्रिक वाइंडिंग, ठीक है, या सिलिंड्रिकल वाइंडिंग्स, सिलिंड्रिकल वाइंडिंग, कोएक्सियल वाइंडिंग, इस तरह की वाइंडिंग को इस तरीके के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन था कोर टाइप ट्रांसफार्मर का। अब हम देख लेते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर को। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास अवेलेबल है वो चीज़। देखिए इस तरीके के ई सेक्शंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और इसके साथ में आई सेक्शंस यूज़ होते हैं, ये ऐसा इस तरीके से इसको ज्वाइंट किया जाता है। फिर इसके ऊपर है ना ई को ऐसा रखा जाता है, ये इस तरीके से, और इस तरफ आई लगा दिया जाता है, ये ऐसे ज्वाइंट कर दिया जाता है। और फिर दूसरा ई ऐसा रखा जाता है, समझिए किस तरह से रखते हैं, और ऐसा कर दिया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट जो ई है वो ऐसा लिया जाता है, और फिर इस तरीके से, और इस तरह से बहुत सारे शीट्स को साथ में जोड़ा जाता है, ठीक, समझ में आई बात।
कई जगह क्या किया जाता है, आपको मैं बड़ा ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ। इस बड़े ट्रांसफार्मर को देखिए आप, इसमें ये वाइंडिंग हो गई आपकी मेन वाइंडिंग, ये है ठीक है, और ये आपके शीट्स हैं। देखिए मोटी शीट्स हैं थोड़ी, तो ये शीट्स को आपको देखिए कैसे टाइट किया गया है, एक बोल्ट की तरह सहायता से टाइट किया गया है। यहाँ पर एक लगा के इसको ड्रिल किया गया है और वॉशर यूज़ किया गया है, साथ में स्क्रू यूज़ किया गया है और यहाँ पे बोल्ट से इसको टाइट किया गया है। टाइट करने की वजह से देखिए इसका शेप भी थोड़ा सा आपको ऐसा दिखेगा। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जॉइंट्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ना एयर गैप आ जाता है, तो एयर गैप क्या करता है, रिलक्टेंस को बढ़ा देता है कोर के, तो उसको एकदम टाइटली जॉइंट करना होता है। इसलिए इस तरीके का जॉइंट यहाँ पे किया गया है ताकि वो एकदम टाइट हो और बीच में कोई भी एयर गैप ना आए। और एयर गैप आने से क्या होगा, एयर गैप आने से इसकी परमेबिलिटी कम होगी, रिलक्टेंस ज़्यादा होगा और फ्लक्स ठीक से सेटअप नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको किया गया है। देखिए प्राइमरी साइड में हमने क्या किया है, दो ही वायर है, एक टूट गया है यहाँ से, दो वायर से हम क्या देते हैं, इनपुट दे देते हैं इसमें। और सेकेंडरी साइड में इससे बहुत सारी वाइंडिंग्स हैं। ये मेरे एक स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है, वो मैंने निकाला है आपको पढ़ाने के लिए। तो स्टेबलाइजर में इस तरह की टेपिंग्स होती हैं जिसमें आप 1 से लेकर 8 तक आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज को लेवल में। और ये एक स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप होता है, जो वोल्टेज यहाँ से आता है उस वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। तो ये स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ होता है घरों में, स्टेबलाइजर के अंदर होता है ये। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अगर आपके यहाँ स्टेबलाइजर है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से होता है और इसके नीचे ये स्क्रू फिट करने का दिया होता है जिसकी वजह से ये अंदर फिट किया जाता है। तो ये छोटे ट्रांसफार्मर है, इसमें ट्रांसफार्मर टैंक की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हीट का जो जनरेशन होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमको एक बड़े टैंक या ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम पावर रेटिंग की बात करते हैं, कई हज़ार केवीए, कई मेगा केवीए, सॉरी कई मेगा वोल्ट एम्पियर की बात करते हैं, जब रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हमको अच्छे इंसुलेटिंग ऑयल और ट्रांसफार्मर टैंक और कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तब वहाँ पर कूलिंग और टैंक का कंस्ट्रक्शन आता है जिसमें डायरेक्टली वेल्ड कर दिया जाता है ट्रांसफार्मर को, ठीक है। लेकिन अभी ये जो छोटे ट्रांसफार्मर है ये ऐसे ही रहते हैं अंदर, इसी तरीके से फिट रहते हैं, इसमें किसी भी तरह का टैंक वगैरह यूज़ नहीं होता। एक और ट्रांसफार्मर है हमारे पास, इसमें देखिए एक एक इस तरीके का लेयर लगाया गया है जिससे और अच्छे से टाइट हो गया है। ये आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि किस तरीके से लगा हुआ है। इसको देखेंगे तो ऊपर नीचे दिख रहा होगा आपको, ये गैप्स क्रिएट करते हैं जॉइंट में। जॉइंट में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से है, इसकी वाइंडिंग होती है बीचों बीच, है ना। ये सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है। सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका इस तरीके से होता है, इसमें 2 से ज़्यादा लिंब होते हैं, है ना। वर्टिकल जो सेक्शंस हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लिंब बोलते हैं। ये वर्टिकल जो सेक्शंस यहाँ पर बने, ये पहला वर्टिकल सेक्शन, दूसरा और ये तीसरा, ये वर्टिकल सेक्शन को क्या कहते हैं, लिंब कहते हैं, ठीक है, लिंब, LIMB। और जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शंस को हम बोलते हैं योक। हॉरिजॉन्टल सेक्शन को योक कहा जाता है और वर्टिकल सेक्शंस को लिंब कहा जाता है। और जो शेल टाइप कोर होता है, अभी जो मैंने दिखाया, उसमें जो वाइंडिंग्स होती है वो यहाँ पर वाइंड की जाती है इस तरीके से, ऐसा। और एक ही लिंब में दोनों वाइंडिंग होती हैं, ठीक है। ये जो वाइंडिंग होती है ये मल्टी लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं, मल्टी लेयर वाइंडिंग कहते हैं। मल्टी लेयर वाइंडिंग होती है मतलब इसमें मिक्सिंग होती है। पहले देखिए मैं आपको सिर्फ मिडिल लिंब बना के बताता हूँ। देखो पहले इसमें होता है, ठीक है, HV, मान लो यहाँ पे HV है, इसके बीच में इंसुलेशन तो है ही, ये HV है दोनों, ठीक है, ये कॉइल्स बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद यहाँ पे बीच में इंसुलेशन होता है और उसके बाद फिर LV होता है और यहाँ पर इंसुलेशन होता है, ऐसा। तो वर्टिकली इसको माउंट किया जाता है, ये LV हो गया, उसके बाद फिर इंसुलेशन होगा और फिर से HV आ जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, अलग अलग इस तरीके की लेयर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको हम सैंडविच वाइंडिंग बोलते हैं, सैंडविच वाइंडिंग। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में सैंडविच वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है और इस तरीके से वाइंडिंग होती है।
तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से इसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कैसा कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो लगभग लगभग मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर जानकारी दे दी है, लेकिन आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, लास्ट है, कि CRGO मटेरियल का यूज़ करने से ट्रांसफार्मर में क्या फ़ायदे होते हैं, है ना। CRGO मटेरियल का यूज़ करने से ट्रांसफार्मर में क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला तो फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर कोर होता है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, रिजिड हो जाता है, स्ट्रेंथ उसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिसे उसको बहुत अच्छी तरीके से टाइट किया जा सकता है। सेकेंड होता है कि इसका जो वेट होता है, भार होता है, वो लेस होता है CRGO मटेरियल यूज़ करने से, ठीक है। और इसका जो आयरन लॉस होता है, देखो आयरन लॉस ही क्या है, कोर लॉस है, इसी को क्या बोलते हैं कोर लॉस, ये कम होता है, बहुत कम होता है, और इसकी जो कॉस्ट है कॉस्ट भी कम होती है। तो इस तरीके से इसके कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब एडवांटेजेस हैं CRGO मटेरियल यूज़ करने के, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट था मेनली मैंने आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। आजकल मॉडर्न में जो कोर यूज़ होते हैं स्पायरल कोर यूज़ होते हैं, ठीक है, स्पायरल कोर्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसका जो एक मॉडर्न ट्रेड नेम है, ये आता है एग्ज़ाम में आ सकता है, आप याद रखिए, उसको बोलते हैं स्पायरा कोर, स्पायरा कोर के नाम से यूज़ किया जाता है, मॉडर्न में यूज़ हो रहे हैं स्पायरल वाइंडिंग के साथ। उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ये बियॉन्ड आपके सिलेबस है, हम इतना पढ़ते हैं जितना हमारे काम का है। तो ये बेसिक आपका जो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपसे कुछ ये बात करना चाहता हूँ कि आपको ये जो ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन है उसको किस तरीके से पढ़ना है। आप इस वीडियो लेक्चर को कम से कम 2 बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, शॉर्ट में फटाफट रिवाइज करिए, और नोट्स प्रिपेयर जरूर करिए। साथ में नोट्स बनाने से होगा क्या कि आप जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं सब आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे, और आप जब रिवाइज करना चाहेंगे तो अपने नोट्स से फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, आपको इतना लंबा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए और सेपरेट कॉपी यूज़ करिए जिससे आपको क्लियर हो, ठीक है। और होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं जो पहली बार इसको पढ़ते हैं उनको उतना डिटेल में क्लियर नहीं होता, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप अगर 1 से 2 बार देखें तो 2 बार देखने पे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। और इसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑनलाइन टेस्ट में मिल जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट आप दे दीजिए आज रात को 7 बजे से पहले अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट में लिखा होगा कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन लिखा होगा उसमें, तो कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे, तो आप इस पर जाकर अटेम्प्ट कर लीजिएगा 7 बजे के बाद। और आज जो डेट है, आज आप हमारा डेट हो गया है 28 मई, और 28 मई के 7 बजे के बाद से वो अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं जा कर के कंस्ट्रक्शन में पूरा डिटेल, है ना, और कंस्ट्रक्शन का ये जो वीडियो है वो दे सकते हैं। साथ में जो स्टूडेंट्स पहली बार इसको देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे और आपकी जो काउंसलिंग है वो भी की जाएगी, ठीक है। आपका जो डाउट क्लास है डाउट्स को भी हम रिजॉल्व करेंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, इस डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा डिस्कशन होगा। आप अपने डाउट्स पूरे क्लियर करिए, और ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन का जो टेस्ट है उसके लिए आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप पढ़िए, वेबसाइट्स हैं आपके पास, गूगल में जाकर आप टाइप करिए, गूगल में टाइप करिए ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये आप सर्च करिए तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के ऊपर में। तो आप देखिए कि आपको ये वीडियो देखने के बाद वो समझ में आते हैं क्या वो क्वेश्चंस, है ना। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो हमारे आप भी टेलीग्राम ग्रुप में रहिए, और यहाँ पर हम उसको पूरी तरीके से डाउट को क्लियर करेंगे और दूसरे क्वेश्चन भी देंगे आपको समझने के लिए, है ना। तो आपका पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छा बढ़ेगा। अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम अपडेट्स हैं CACB का, है ना, आपका नेक्स्ट ईयर 2021 में या 22 के स्टार्टिंग में ये निकल सकता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। JEE का पोस्ट होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है,
अभी तो रोक लगा दी है सरकार ने, लेकिन ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं रोक, क्योंकि हर चीज़ नॉर्मल होते जा रहा है और आपका जो CSEB का एग्ज़ाम है, SSC JEE का एग्ज़ाम है, ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। फिर दूसरे PSU हैं, PSU में आपके आते हैं NTPC, पावर ग्रिड, PGCIL, जो बहुत अच्छे रिप्यूटेड कंपनी है, सेल है, ये सब भी रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है, पावर में तो कोई लॉस नहीं है, सब ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। और आप क्या करिए, इसके JEE के जो पेपर्स होते हैं वो आपको मैं दिलाऊंगा। आप क्या करिए, अभी जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं वो देखते जाइए। CSBTU में ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप अगर इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका वो 10 नंबर कहीं नहीं गया है, आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद।